नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जन्मेजय और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जो फिजिकल पास कैंडिडेट हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सर्टिफिकेट में नाम अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कौन सा लगेगा, राज्य लगेगा या सेंट्रल लगेगा, तो उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात है कि मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल कितने दिनों तक चलता है, तो इन्हीं सभी पॉइंटों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको, अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी ही अपडेट कुछ भी अगर अपडेट रहे या नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सबसे पहले जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा उस दिन अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको 5 ग्रुप में बांट देगा, M1, M2, M3, M4 और M5। तो जाने के साथ ही आपको लाइन से बैठा देगा, M1 वाले इधर आ जाओ, M2, M3, M4, M5 करके बैठा देगा लाइन से। और सामने में ही जो ऑफिसर लोग बैठे रहते हैं, जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का ऑफिसर लोग रहते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, वही लोग आपका 12th वगैरह का मंगता नहीं है, ओनली 10th का सर्टिफिकेट देखेगा। 10th का सर्टिफिकेट देखने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल देखेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसका एक प्रिंट, तो ये सबको लेके वहाँ पे ये सबको क्या बोलते हैं, इसका सबका जीरोक्स तो लगेगा ही लगेगा, और ओरिजिनल भी देखते हैं, ओरिजिनल में आपका नाम सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, ये सब टिक लगाते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होता है। दूसरी बात है, अगर सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सर्टिफिकेट में नाम तो गलत होता है, साथ ही साथ नाम गलत होने के साथ अगर या तो फिर उनका सरनेम किसी सर्टिफिकेट में लिखा है कि किसी में नहीं लिखा है, तो ये सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कोई सभी वकील के पास जाने का है और उसको बोल देने का है कि मेरा सर्टिफिकेट में ये नाम नहीं है, एक नोटरी बना के शपथ पत्र बना के दे दीजिए, तो 150 से 200 रुपये के आसपास लेगा और वो 10 रुपये के स्टाम्प में बना के आपको दे देगा, तो ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके वजह से आपका फॉर्म आप रिजेक्टेड नहीं होंगे, तो वो बोलते हैं कि आपको 10 दिन 5 दिन जो भी टाइम दे देगा उस दिन के अंदर में आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पे देना ज़रूरी है। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको बता दूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल चाहिए, स्टेट वाला नहीं चाहिए। तो अगर ये सेंट्रल अभी आपके पास बना नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपके पास कोई भी वकील वगैरह के पास जाना है, उसको 100-200 रुपये दे दीजिएगा, वो बना के दे देता है, तो और उसके लिए आपका स्टेट वाला जाति लगता है, तो कुछ नहीं करने का है, इसके बाद जाने का है और बन जाता है वो। और मेडिकल कैसे होता है, तो सबसे पहली बात, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये 5 डॉक्टर होते हैं जो M1, M2, M3, M4, M5 के लिए अलग अलग होते हैं कैटेगरी में, तो पांचों डॉक्टर में से एक एक डॉक्टर करके अपना अपना M1, M2 ऐसे करके लाइन से लेके जाते जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद आपको अंदर लेके जाएगा, अंदर लेके जाने के बाद सबसे पहले आपका जो भी फॉर्म वॉर्म भरा के जो सर्टिफिकेट का एक दे दिया रहता है उनको अलग रखेगा, उसके बाद वो अपने पास रखने के बाद आपको एक लाइन से खड़ा कर देगा, खड़ा करने के बाद आपका वो जो फ्लैट फुट है कि नहीं, नौकनी जुड़ रहा है कि नहीं, और क्या बोलते हैं, हाथ सीधा है कि नहीं, टूटा ऊटा तो नहीं है, इसके लिए बहुत सारे डिप्स करवाते हैं, डिप्स मरवाते हैं, उठक बैठक लगवाते हैं, थोड़ा उछल कूद करवाते हैं, ताकि अगर आपका पैर का जो नस होता है वो मुड़ा तो नहीं है, गुच्छा तो नहीं है पैर में, ये सब देखते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको आई टेस्ट के लिए लेके जाएगा, आई टेस्ट में डिस्टेंस विजन देखने से पहले आपके आँख में लेंस वगैरह लगा है कि नहीं, एक लेंस से वो चेक करता है, वो चेक करने के बाद फिर डिस्टेंस विजन चेक करता है। इसके बाद पहला दिन में बस इतना ही होता है, पहला दिन में इतना ही होने के बाद दूसरा दिन में आपको लेके जाएगा, पहला दिन छोड़ देगा, दूसरा दिन बुलाएगा, दूसरे दिन आपको गाड़ी में बैठाएगा और वहाँ से आपको लेके चला जाएगा ब्लड चेकिंग, यूरिन चेकिंग और एक्सरे के लिए। ये दूसरा दिन हो गया, तीसरा दूसरा दिन में इसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद आपको छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वही लोग लेके जाएगा, या घबराने का नहीं, वही लोग अपना वो बस में या कुछ में भी बैठा के लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आपका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद आपको ला के छोड़ भी देते हैं, उसके बाद आपको दूसरे दिन रिजल्ट के लिए बुलाते हैं, तो दूसरा दिन रिजल्ट के लिए जाओगे तो रिजल्ट दे देते हैं कि आप फिट हो अनफिट हो, वहीं पर बता देते हैं, अनफिट रहोगे तो आपको एक पेपर देगा, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से साइन करा के स्पीड पोस्ट कर देना कुछ चालान भर के, तो इससे आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बात, और दूसरी बात है मेडिकल कितने दिनों तक लगते हैं, तो मेडिकल में मुख्यतः 3 दिन लगते हैं। पहला दिन तो आपको मैं बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और कुछ कुछ चेकअप जो
हाथ पैर आँख ये सब चेकअप। दूसरा दिन होता है आपका ब्लड यूरिन और एक्सरा। तीसरा दिन होता है आपका रिजल्ट। तो इस प्रकार से 3 दिन लगते हैं, 3 दिन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी ही आपको वीडियो देखने को मिलती रहे और नई नई नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल में कुछ भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।